फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू बॉलीवुड हेल्थ सेंटर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि तीन म्यूजिक स्कूल जो कि गुरुग्राम का बेहतरीन म्यूजिक स्कूल माना जाता है, जिसके बारे में हमने बात किया था। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने एक ही स्कूल के बारे में बता पाया था, क्योंकि ड्यू टू वीडियो लंबी हो रही थी और साथ में कुछ काम भी था जिसके कारण मैंने वहां पे छोड़ दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो और जो म्यूजिक स्कूल बचा है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कौन कौन से है वो दो म्यूजिक स्कूल जो बेहतर शिक्षा प्रदान करती है म्यूजिक के फील्ड में गुरुग्राम में। तो दूसरे नंबर पे है तानसेन म्यूजिक स्कूल, जो कि 1972 से कार्यरत है। लगभग 50 से 51 सालों से ये म्यूजिक स्कूल कार्यरत है और यहाँ पे काफी बेहतरीन स्टूडेंट्स यहाँ से निकले हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में काफी बेहतर काम किया है। यहाँ पे अगर इस स्कूल की बात करें तो इस स्कूल में लगभग 1500 ऐसे लोग जुड़े हैं जो प्रशिक्षक के रूप में काम करते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग बेहतरीन संगीतकार हैं, अपने अपने फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग हैं और साथ में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो बच्चों को प्रशिक्षित करने का काम करते हैं। यहाँ पे तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, आजकल जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं उस सारे इंस्ट्रूमेंट आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। नृत्य से लेकर हर वो चीज यहाँ पे सिखाया जाता है जिसकी आपको तलाश है। स्कूल के बारे में अगर और बात की जाए तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बेहतरीन एयर कंडीशन रूम है जहाँ पे एक बेहतरीन माहौल मिलता है। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं काफी उच्च क्वालिटी के एजुकेशन प्राप्त फैकल्टी मेंबर्स हैं जो आपको सिखाते हैं, आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। आप एक बार में ना तो 10 बार में अगर बताना पड़े तो आपको गाइड करते हैं। केवल सिखाते ही नहीं है, आपको ये भी बताते हैं कि सीखने के बाद जब आप पास आउट हो जाते हो और जब आप यहाँ से निकलोगे तो कैसे आपको स्ट्रगल करना है, कैसे आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, वो हर एक चीज ये लोग आपको यहाँ पे सिखाते हैं। काफी बेहतरीन है। आप सोच सकते हो कि 51 सालों से, यानी कि 1972 से अगर हम बात करें तो 51 ईयर्स से ये स्कूल अभी तक चल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन एजुकेशन यहाँ से मिल रही होगी, तभी तो अभी तक चल रहा है स्कूल। इस म्यूजिक स्कूल में आपको हर तरह के संगीत से रिलेटेड हर वो चीज सिखाए जाते हैं। और आपको बता दूं कि पूरे भारत में इसके लगभग 85 से ज्यादा ब्रांचेस हैं जहां पे म्यूजिक का एजुकेशन दिया जाता है, यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। अब जानते हैं इस स्कूल का टाइमिंग क्या है, फीस क्या है और किस तरीके से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे हर तरह के, जैसे गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, वायलिन हो गया, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, हर तरह के जो इंस्ट्रूमेंट आज बजते हैं वो सब यहाँ पे बेहतरीन तरीके से बेहतर जो टीचर है उनके द्वारा सिखाया जाता है। तो आपको भी अगर सीखना है और आप गुरुग्राम के आसपास हो तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो में मैं कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, आप खुद भी वहां पे फोन करके जो भी आपकी क्वेरी है आप पूछ लेना, उसके बाद ही आप ज्वाइन करना। क्योंकि मेरे केवल कह देने से, मेरे वीडियो बना देने से आप ज्वाइन नहीं करना है, आपको आप भी तो सेटिस्फाई हो जाओ, वहां पे फोन करो। आपके बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जिसको मैंने मेंशन नहीं किया इस वीडियो में, तो प्लीज आप वहां पे कॉल कीजिए, उस सारे सवाल को पूछिए और फिर अगर आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हो। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये सोमवार से लेकर शनिवार तक 10 से 8 बजे तक क्लासेस यहाँ पे चलाया जाता है। मंगलवार को वीकली ऑफ होता है और रविवार को यहाँ पे दिन के 10 से 2 बजे तक क्लास चलाया जाता है। अब जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, इस नंबर पे, ये दोनों कॉन्टेक्ट नंबर है वहां के, आप इस नंबर पे कॉल करो, जो भी क्वेरी है आप उनको बताओ अपनी क्वेरी, वो आपको रिप्लाई करेंगे और अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि तीन जो म्यूजिक स्कूल मैं बताने वाला हूं, एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था और दो इसमें बता रहा हूं, तानसेन और एक और है जिसके बारे में आप आगे देखोगे इस वीडियो में, तीनों में से किसी को आप ज्वाइन कर सकते हो, तीनों एक पर एक है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हालांकि मैं इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं करना चाहता वीडियो में क्योंकि लोग बोर होते हैं फिर बीच में इसे छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं एक लाइन में ऐड कर देता हूं कि म्यूजिक स्कूल जितना बेहतर है उतने ही बेहतर तरीके से आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हैं। तीसरा जो म्यूजिक स्कूल है उसका नाम है ब्रिज संगीत अकादमी। ये 2009 से अभी तक कार्यरत है, काफी बेहतरीन स्कूल माना जाता है गुरुग्राम का। और ये तीन जो मैंने स्कूल बताया है उसमें से एक ये है। इस स्कूल में आपको
दोनों तरह की शिक्षाएं प्रदान की जाती है। अगर आप पेशेवर बनना चाहते हो या फिर आप शौक के लिए सीखने जाते हो, उसके बावजूद भी इनका इंटेंशन यही होता है कि आप सीखने के बाद एक प्रोफेशनल बन सको। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स हैं जो काफ़ी हाईली क्वालिफाई हैं अपने अपने फील्ड में, जिनके द्वारा आपको सिखाया जाता है। ये गुरुग्राम में DLF फेज 3 HL के पास है। जो म्यूजिक स्कूल है यहाँ पे 2009 से अभी तक काफी अच्छे से स्टूडेंट्स भी बाहर आए हैं यहाँ से प्रशिक्षण लेके, और वो लोग काफी बेहतर कर रहे हैं। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो कोई जरूरी नहीं कि 100 में से 100 लोग बेहतर कर पाएंगे। जिनकी अपनी कितनी काबिलियत है, वो कितने बेहतर तरीके से उनका, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उनका IQ लेवल कितना बेहतर है, उनके अंदर मेहनत करने की कितनी क्षमता है, इस पे भी डिपेंड करता है। हालांकि किसी भी स्कूल में बेहतर तरीके से ही प्रशिक्षण दिया जाता है, केवल फर्क होता है तो स्ट्रक्चर का फर्क होता है, जैसे फीस का फर्क हो सकता है, टाइमिंग का फर्क हो सकता है। बाकी संगीत में जो अगर सरगम है या फिर राग है, सब तो वही है, पढ़ाना तो उनको वही है। इस तरीके से स्कूल बेहतर होने के साथ साथ आपको भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस फील्ड में आप सफल हो सकते हैं। इस स्कूल में मुख्य कार्यकारी अधिकारी है रितेश खोखर, जो कि दिल्ली से आते हैं। वो एक बेहतरीन संगीतकार के साथ साथ शिक्षक भी है। उन्होंने 90 के दशक में रॉक, ब्लू फंक और जैज बैंड के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया था। और इस इंस्टीट्यूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे होम ट्यूशन भी यहाँ से दिया जाता है, और साथ में ऑनलाइन भी क्लासेस यहाँ पे गाइड किया जाता है, यानी कि संचालित किया जाता है यहाँ से। तो आप जैसा कंफर्टेबल फील करो, अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन के लिए बात कर सकते हो, अगर आप होम ट्यूशन लेना चाहते हो उसके लिए भी बात कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे जाके सीखना चाहते हो तो भी आप वहाँ पे जा सकते हो। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि हर जो भी नामी बड़ा स्कूल है वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ पे भी आपको क्लासिकल से लेके वेस्टर्न हर तरह के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब कुछ बताए जाते हैं। ऑनलाइन वीडियोज क्लासेस वगैरह भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक बेहतर स्कूल साबित हो सकता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो म्यूजिक के फील्ड में अपना करियर बनाने में, तो आप, मैं आगे जो नंबर दूंगा उस पर आप कॉल करो, और भी जो क्वेरी है आप उसको पूछो, क्वेरी को सॉल्व करो। और अगर आपको लगता है कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए तो जरूर ज्वाइन कीजिए, और वहां से पास आउट होकर आप भी अपने करियर में बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो यहाँ पे रविवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक क्लासेस चलाया जाता है, और वीकली सोमवार को ये बंद होता है। आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल करके आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि बता दूं, इस वीडियो में जो दो स्कूल के बारे में मैंने बताया है, तानसेन संगीत महाविद्यालय और ब्रिज संगीत अकादमी, इन दोनों के फीस की बात जैसा कि मैंने अभी तक नहीं किया, तो आप सोच रहे हो फीस के बारे में कब बताएगा, तो मैं बता दूं इसके लिए आपको डायरेक्ट कॉल करके ही पूछना पड़ेगा। कि हालांकि उनके वेबसाइट वगैरह कहीं पे भी मेंशन नहीं है फीस के बारे में, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। बेहतर हुआ कि दोनों स्कूल का मैंने नंबर दिया है, जो आपको लगता है वहां पे कॉल करो, अपनी क्वेरी को भी रखो, और साथ में आप फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी वहां से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है जो भी म्यूजिक स्कूल है जो फेमस है वहां का, उसके बारे में बेसिक जानकारी देने की, जैसे उनका एड्रेस, उनका फोन नंबर, फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग, कैसा फैकल्टी मेंबर्स है, ये सब मैंने कोशिश की है इन सबको सम्मिलित करके छोटा सा सारांश कह सकते हो आपको बताने का। हालांकि पूरे डिटेल्स में अगर किसी भी म्यूजिक स्कूल के बारे में बात करें तो काफी लंबी वीडियो होगी। मैं हर वीडियो में नंबर देने की कोशिश करता हूं, जो ऑलमोस्ट सारे वीडियो में होता है, तो आप वहां पे कॉल करके भी इंक्वायरी कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि गुरुग्राम में अभी बहुत सारे अभी कोई देहरादून पूछ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके हर प्लेस पे जो बेहतर स्कूल है उसके बारे में बताने की। इस वीडियो में जो दो म्यूजिक स्कूल है, अगर आप गुरुग्राम के आसपास रहते हो, गुरुग्राम में रहते हो, तो आप इन तीनों म्यूजिक स्कूल में से किसी को ज्वाइन कर सकते हो। तीनों एक पर एक है, डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, आप वहां पे क्वेरी करो और ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार अगर आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा, ताकि जब भी मैं बॉलीवुड कैरियर रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ, बॉलीवुड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करूँ, तो आपको आसानी से मिल सके। और साथ में जो भी आपके कमेंट्स है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और अगर इंस्टेंट कोई रिप्लाई चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।